पचम्बा थाना के समीप रविवार को उस वक्त जमकर हंगामा हो गया जब डीटीओ ऑफिस के कर्मियों ने वाहन जांच के दौरान तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों से भरे चार वाहनों को रोक दिया। हालांकि बारातियों के द्वारा हंगामा किए जाने के बाद सभी वाहन को छोड़ दिया गया। दरअसल पचम्बा थाना के समीप परिवहन विभाग के कर्मियों के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान बिरनी थाना क्षेत्र से कोलरिहा तिलक समारोह में शामिल होने के लिए कुल चार गाड़ियों में तिलक के लिए सामान भर कर बाराती गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान परिवहन विभाग के कर्मियों ने सभी चार वाहनों को रोक दिया और कागजातों की जांच करने लगे। जांच करने के बाद भी करीब तीन घंटे तक वाहनों को रोक कर रखने के बाद सभी बाराती आक्रोशित हो गए और पचम्बा थाना परिसर में हंगामा करने लगे और थाना परिसर में ही धरना देने की बात करने लगे। हो हंगामा के बाद सभी वाहनों को छोड़ दिया गया। हम लोग किस पास वालों कैसे हो रहे हैं तो किस लिए पकड़ा गया आप लोग को? सर वैसा मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसे गाड़ी ढुका कौन सी गाड़ी है सर? हमारे पास चार गाड़ी जो है जो सवारी गाड़ी है। सवारी गाड़ी पकड़ी गई आपकी? क्या खामियां बताई जा रही है? ड्राइवर को बताया कौन सा पेपर का कमी है बताया? सर मुझे कुछ नहीं बताया गया, मैंने पूछा भी तो मुझे ठीक है आपको चलान कराना पड़ता है। चलान अगर काट रहे तो आप काटिए, लेकिन एक तरीका होता है सर। मान लीजिए मुझे आप परेशान करने की मतलब आप मतलब परेशान नहीं कर सकते पब्लिक को, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर किसी हर कोई मेरे पास आए हुए हैं। तो सर क्या यही हमारा मतलब रूल है सर? अगर हाँ ठीक है मैं मानता हूँ ये कानूनी है, यहाँ के लोग यहाँ पर कानून है, कानून का हर किसी को मतलब उसका मतलब दायित्व करना, उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन सर मान लीजिए दो घंटा आपने वहाँ पर किया, अभी मतलब वहाँ पर कायम हो रहा है, अभी सारे लोग वहाँ ऐसे जा रहे हैं। अगर कानून अगर लागू करते हैं हमेशा ये चीज होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे झारखंड के लोग हमेशा 24 और 24 आवर्स इस तरह से नियम यहाँ पर लागू हो, ताकि कभी भी किसी को परेशानी ना होगा, क्योंकि हर कोई अपने पास सारे पेपर लेकर के लोग चलेंगे, इधर से हम लोग को परेशानी झेलने का मौका नहीं मिलेगा। कहाँ से आ रहे थे आप? सर मैं यहाँ से मैं बिरनी से आ रहा हूँ, बिरनी थाना से। बिरनी से आ रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। जी कब पकड़ा गया था आपको? सर चार घंटा हो चुकी है। चार घंटे और चार घंटे से हम लोग सर मतलब थाने के पीछे आगे पीछे हम लोग मतलब घूम रहे हैं। तो किसी अधिकारी से बात नहीं हुई आपकी? सर अधिकारी से बात हुई, लेकिन सर बोले कि ठीक है इनको छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी हमारे कोई सर है जो मैं तो नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वो भी अभी तक हमको छोड़ने का मतलब अभी तक निश्चित मतलब किए नहीं है। मतलब थाने से बोल दिया गया छोड़ देने के लिए, उसके बाद भी यहाँ? हाँ सर थाने से वीडियो वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो थाना प्रभारी सर हैं वो भी बोले कि इनको छोड़ दो, लेकिन सर जो है हम लोग को छोड़ने का बिल्कुल मतलब कतई मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे, बार बार करके नहीं छोड़ेंगे आपको। तुमको रीजन बता दें, अगर कुछ भी अगर परेशानी अगर होती है सारा जीवन उनके पास रहेगा। मेरा समय अधिक हो गया, हम लोग अभी मतलब मेरा शादी है सर, अगर किसी भी तरह से नुकसान हुआ सारा भरपाई उनको करना पड़ जाएगा सर, क्योंकि ये बच्ची की शादी का सवाल है, किसी की लाइफ का सवाल है, और ये मतलब लड़की के बाप है। इतना समय वेस्ट हो गया वहाँ पे, क्योंकि सब सारा मेहमान लोग आया हुआ, सभी का परेशानी झेलना पड़ रहा है।